नमस्कार दोस्तों, हवाई दुर्घटना में सबसे खतरनाक होता है हवाई जहाज का जमीन पर क्रैश करना, जिसमें 90% केसेज में आपने देखा होगा कि कोई बच नहीं पाते हैं। ऐसी ही दुर्घटना का शिकार हुई थी स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 751, जो कि स्वीडन के एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक दुर्घटना मानी जाती है। लेकिन इस दुर्घटना में ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन ने कमर्शियल पायलट जीवन से आजीवन के लिए संन्यास ले लिया? What caused the most baffling accident in Sweden's history? 8 personer ombord skadades. Ingen fick dock livshotande skador. En av de skadade satt fastklämd, en annan har kaptenen som nu vårdas på Danderyds sjukhus. चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 27 दिसंबर 1991 सुबह 8:47 पर स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 751 टेक ऑफ करती है स्टॉकहोम के अर्लांडा एयरपोर्ट से। जाना है इसे कोपनहेगन। इस फ्लाइट में 123 पैसेंजर्स बैठे हैं, 4 फ्लाइट अटेंडेंट हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन स्टीफन रास्मुसेन 44 साल के, तो दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर उल्फ कैडर मार्क 34 साल के। यह मैकडोनाल्ड डगलस MD-81 विमान है जिसके दोनों इंजन विंग्स के पीछे लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि उस दिन स्टॉकहोम में काफी ठंड थी, टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस रही होगी। इसी ठंड में पूरी रात यह प्लेन पार्क किया हुआ था। रात से लेकर सुबह तक स्नोफॉल भी हुआ था, जिस वजह से प्लेन के ऊपर भी काफी बर्फ जमा हुआ था। टेक ऑफ से पहले प्लेन को 2 बार डीआइसिंग किया गया था, जिसके बाद टेक ऑफ का क्लियरेंस मिला। नॉर्मल टेक ऑफ के मात्र 25 सेकंड के बाद प्लेन के राइट इंजन से बूम बूम की आवाज आने लगती है। 39वें सेकंड पर लेफ्ट इंजन भी सर्ज कर गया। स्कैंडिनेवियन एयरलाइन के ही एक अन्य कैप्टन पर होलमबर्ग भी इस विमान में बैठे थे एज ए पैसेंजर। उन्होंने खतरे को तुरंत भांप लिया और कॉकपिट की ओर भाग के गए पायलट को मदद करने के लिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 20-22 साल पहले तक पैसेंजर भी कॉकपिट तक जा सकते थे। कॉकपिट का डोर खुला ही रहता था, लेकिन बाद में आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए पायलट के अलावा किसी अन्य को कॉकपिट में एक्सेस बंद कर दिया गया। इंजन सर्च करने के बाद पायलट ज्यादा कुछ समझ पाते कि टेक ऑफ के 76वें सेकंड पर राइट इंजन और 78वें सेकंड पर लेफ्ट इंजन भी फेल कर गया। इस समय प्लेन का अल्टीट्यूड मात्र 3200 फीट था। दोनों इंजन फेल होते ही यह प्लेन ग्लाइडर की तरह 20 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरने लगती है। पायलट इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन स्थिति और खराब होते हुए लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है। पायलट फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाते हैं। तीसरे कैप्टन पर होलमबर्ग, जिसका जिक्र अभी मैंने कुछ देर पहले किया था, उनकी मदद से पायलट ऑक्सिलरी पावर यूनिट को चालू करते हैं और स्टॉकहोम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इमरजेंसी की जानकारी देते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को निर्देश देता है कि प्लेन को तुरंत 180 डिग्री से मोड़कर वापस एयरपोर्ट पर ले आओ, लेकिन प्लेन अब जमीन से मात्र 1600 फीट की ऊंचाई पर आ चुकी होती है और बिना इंजन पावर के इसे 180 डिग्री से मोड़ पाना संभव नहीं है। पायलट को अब लगने लगता है कि यह प्लेन अब जमीन पर क्रैश होने वाला है। वो चाह रहे होते हैं कि कोई समतल जमीन मिल जाए ताकि कम से कम नुकसान हो, लेकिन प्लेन अब गिरते गिरते 500 फुट की ऊंचाई पर आ चुकी होती है। कैप्टन चिल्लाते हुए ग्राउंड इमरजेंसी का अनाउंस करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट भी बेंड डाउन कहते हुए यात्रियों को ब्रेस पोजीशन में आने का तुरंत निर्देश देती है। कुछ ही सेकंड के अंदर यह प्लेन स्टॉकहोम से मात्र 15 किलोमीटर दूर गोटरोड़ा के समीप पेड़ों से टकराते हुए 110 मीटर जमीन पर घसीटते हुए क्रैश कर जाती है। प्लेन का 3 टुकड़ा हो जाता है, लेकिन संयोग बस चारों ओर बर्फ होने की वजह से प्लेन में आग नहीं लगता है और क्रू मेंबर सहित सभी के सभी 123 यात्री बच जाते हैं। लैंड पर क्रैश होने के बावजूद भी सभी लोग बच गए, ये एक चमत्कार था और इसीलिए यह घटना गोटरोड़ा मिरेकल के नाम से भी जानी जाती है।
इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना मूल्यवान सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और हाँ, इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले इंजन की जांच की गई तो पता चला कि इंजन के अंदर जो टाइटेनियम है उसमें आग लगी है। आमतौर पर टाइटेनियम में आग नहीं लगती जब तक कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ना हो। इसका मतलब साफ था कि इंजन सर्ज कर गया था। इंजन सर्ज करने का वजह फ्रंट फैन ब्लेड को देखकर क्लियर हो गया। फ्रंट फैन ब्लेड मुड़ा हुआ था, इसका मतलब साफ था कि कुछ हार्ड मटेरियल बाहर से अंदर आया है जिसने पहले फैन ब्लेड को खराब किया फिर इंजन को। लेकिन ये हार्ड मटेरियल क्या हो सकता है? इसकी जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना शुरू से लेकर अंत तक, जिसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वो हार्ड मटेरियल बर्फ था। चूंकि उस दिन बहुत ठंड थी और विंग्स के अंदर बची फ्यूल काफी ठंडा हो रखा था, जिस वजह से विंग्स के ऊपर हार्ड क्लियर आइस बना होगा। हालांकि प्लेन का दो बार डीआइसिंग हुआ था, लेकिन डीआइसिंग टीम विंग्स के ऊपर जमे इस हार्ड क्लियर आइस को देख नहीं पाए होंगे और प्लेन विंग्स के ऊपर जमे हार्ड आइस के साथ ही टेक ऑफ कर गया था। चूंकि इस प्लेन में इंजन विंग्स के पीछे लगा था, इसीलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद वो आइस टूट टूट कर हवा के साथ इंजन में गया और पहले फैन ब्लेड को खराब किया फिर इंजन को। बर्फ के अलावा ऑटोमेटिक थ्रस्ट रिस्टोरेशन ATR, जिसे हाल ही में इस प्लेन में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन पायलट को ना तो इसका ट्रेनिंग मिला था ना ही जानकारी, को भी इंजन फेल्योर का दूसरा वजह माना गया। सबसे खास बात है कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 751 आज भी स्टॉकहोम से कोपेनहेगन होते हुए वारसा तक का सफर करती है, लेकिन कैप्टन रास्मुसेन इस घटना से इतने ज्यादा इमोशनली आहत हुए कि उन्होंने दोबारा कॉकपिट में वापस ना आने का फैसला कर लिया।